देखो, अगर आपको 2022 में एक डीजल कार लेनी है और आपका बजट है 10 लाख रुपए के अंदर, तो ये वीडियो खास मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं उन 10 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनके अंदर आपको अच्छा खासा माइलेज मिलेगा, इनका जो इंजन का परफॉर्मेंस है वो भी तगड़ा है, और इनके इंटीरियर और एक्सटीरियर में आपको अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये वीडियो होने वाला है टॉप 10 मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कारों के ऊपर अंडर 10 लाख। जो सबसे पहले कार आती है जो कि आप कंसीडर कर सकते हैं 2022 में डीजल इंजन के साथ, वो है हुंडई की ओरा। हालांकि ये एक एंट्री लेवल सेडान कार है हुंडई की तरफ से आने वाली, जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं और इसके अंदर आपको डीजल इंजन भी देखने को मिल जाएगा। हुंडई कंपनी ने इसके अंदर 1.2 लीटर 3 सिलेंडर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि लगभग 73 BHP की पावर आउटपुट और 190 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट देखने को मिल जाएगी हुंडई और आके डीजल इंजन के साथ। ये डीजल मॉडल के साथ लगभग 25.35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, यानी आपको हुंडई ओरा के डीजल मॉडल में लगभग 25 के ऊपर का माइलेज मिलने वाला है। हालांकि इसके अंदर सीएनजी किट भी आ जाता है, उसका माइलेज आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ओरा के डीजल मॉडल की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 7.92 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो सेकंड नंबर की डीजल कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अंडर 10 लाख, वह है हुंडई की अमेज। ये भी एक सेडान कार है, इसके अंदर भी ठीक ठाक फीचर्स ऑफर करे जाते हैं, हालांकि इसको अपडेट की जरूरत है, लेकिन जो करंट मॉडल है वो अच्छा खासा माइलेज दे देता है। इसके अंदर कंपनी ने 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि लगभग 79 BHP की पावर आउटपुट और 160 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। यहां पर आपको हुंडई की अमेज के अंदर थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर देखने को मिल जाएगी एज कंपेयर टू हुंडई की ओरा। हुंडई की अमेज डीजल में लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज भी दे देती है, और इसके डीजल मॉडल की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 8.73 लाख रुपीज से। वही जो नेक्स्ट कार आते हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं 2022 में, वो है टाटा के अल्ट्रोज। टाटा के अल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक कार है, इसको सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं, इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स ऑफर करे जाते हैं, और इसके अंदर आपको डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर टाटा कंपनी ने 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि लगभग 88 BHP की पावर आउटपुट और 200 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। तो यहाँ पर टाटा अल्ट्रोज के अंदर आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट भी देखने को मिल जाएगी, और इसका जो इंजन है इसका परफॉर्मेंस भी काफी तगड़ा है। टाटा अल्ट्रोज लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है डीजल इंजन के साथ, और इसके डीजल मॉडल की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 7.19 लाख रुपीज से बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो नेक्स्ट कार आती है डीजल में जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं 2022 में, वो है हुंडई की i20। ये भी एक प्रीमियम हैचबैक कार है, इसका मुकाबला भी टाटा के अल्ट्रोज के साथ होता है, इसके अलावा बलेनो के साथ होता है, और इसकी आज के डेट में बहुत ज्यादा डिमांड भी है। हालांकि इसके अंदर अगर आपको ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए तो आप इसके इनलाइन वेरिएंट के साथ जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको इसके अंदर डीजल इंजन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। हालांकि इसका डीजल इंजन लगभग 98 BHP की पावर आउटपुट और 240 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। तो यहाँ पर हुंडई i20 का जो इंजन है डीजल में वो ज्यादा पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाता है एज कम्पेयर टू टाटा की अल्ट्रोज। इसके अलावा हुंडई की i20 डीजल में लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है, लेकिन इसकी कीमत 9.95 लाख रुपीज से शुरू होती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। इसको लेने के लिए आपको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर डीजल कारों की कीमत आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू पेट्रोल वाली कारें। वही जो फिफ्थ नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं 2021 में, वो है हुंडई की वेन्यू। ये एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, इसके अंदर भी काफी अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं, इसका एक्सटीरियर लुक भी ठीक ठाक है। हुंडई कंपनी ने इसके अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि लगभग 98 BHP की पावर आउटपुट और 240 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। हुंडई की वेन्यू डीजल में लगभग 23.7 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है, और इसके डीजल मॉडल की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 9.5 लाख रुपीज से। वही जो 6 नंबर की कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं 2022 में, वो है टाटा की नेक्सॉन। टाटा की नेक्सॉन एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है, जिसको सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स भी मिले हैं, और इसके अंदर ईवी मॉडल भी आता है, जिसकी रेंज है लगभग 312 किलोमीटर की। लेकिन अगर आपको डीजल मॉडल में नेक्सॉन चाहिए तो ये अवेलेबल है। टाटा कंपनी ने नेक्सॉन के अंदर 2 डीजल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है। पहला इंजन है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रिवोट्रॉन डीजल इंजन, इसके अलावा इसके अंदर आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन भी देखने को मिल जाएगा,
दोनों ही इंजन अच्छी खासी पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाते हैं, लेकिन टाटा के नेक्सॉन डीजल इंजन के साथ लगभग 22 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है आराम से। इसके डीजल मॉडल की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 8.59 लाख रुपीस से, और आज के डेट में टाटा नेक्सॉन की जो सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। इसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स भी मिलेंगे और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। वही जो नेक्स्ट कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं डीजल इंजन के साथ, वह है महिंद्रा के XUV300। ये भी एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट SUV कार है। इसके अंदर भी अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं, लेकिन उतने एडवांस लेवल के फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे जितने कि सोनेट के अंदर दिए जाते हैं। लेकिन ये एक प्रैक्टिकल कार है, इसका जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल पर है और इसको सेफ्टी में 5-स्टार रेटिंग्स भी मिले, तो यहाँ पर सेफ्टी की कोई भी गुंजाइश नहीं है। XUV300 के अंदर आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा जो कि लगभग 115 BHP की पावर आउटपुट और 300 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। ये पावर आउटपुट आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी और XUV300 डीजल इंजन के साथ लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है और इसकी कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 9.30 लाख रुपीज से। वही जो नेक्स्ट कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं 2022 में डीजल मॉडल के साथ, वह है हुंडई की i10 Nios। ये एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है, इसके अंदर भी अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करे जाते हैं और ये CNG किट के साथ भी अवेलेबल है जिसके अंदर आपको लगभग 26 से ज्यादा का माइलेज देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको डीजल इंजन के साथ लेना है तो i10 Nios डीजल इंजन के साथ भी अवेलेबल है। हुंडई कंपनी ने इसके अंदर 1.2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि लगभग 74 BHP की पावर आउटपुट और 190 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। CNG किट के साथ ये लगभग 28-29 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है, तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा माइलेज देखने को मिल जाएगा हुंडई i10 Nios के अंदर। अगर आप एक हैचबैक कार देख रहे हैं, लाइक एंट्री लेवल हैचबैक कार आपको लेनी है, तो यहाँ पर हुंडई i10 Nios आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकती है और इसके अंदर आपको CNG का मॉडल भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसका जो डीजल इंजन है वो लगभग आपको 26 से ऊपर का माइलेज देने वाला है। इसके डीजल मॉडल की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 7.22 लाख रुपीज से। वही जो नेक्स्ट कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं डीजल इंजन के साथ, वो है किया की सोनेट। आज के डेट में इस कार को बहुत ज्यादा डिमांड है। ये भी एक सब 4 मीटर सेगमेंट वाली कॉम्पैक्ट SUV कार है, इसके अंदर भी काफी कमाल के फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया है किया कंपनी ने जो कि लगभग 98 BHP की पावर आउटपुट और 240 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट और टॉर्क देखने को मिल जाएगा किया की सोनेट के अंदर। किया सोनेट डीजल इंजन के साथ लगभग 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है और इसके डीजल मॉडल की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 8.65 लाख रुपीज से। वही जो लास्ट कार आती है जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं डीजल इंजन के साथ, वो है महिंद्रा की बोलेरो नियो। इसको महिंद्रा कंपनी ने रिसेंटली इंडिया में लॉन्च किया था जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स दिए गए हैं और महिंद्रा बोलेरो नियो डीजल में लगभग 17 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है आराम से। इसके डीजल मॉडल की कीमत इंडिया में स्टार्ट होती है 8.99 लाख रुपीज से। तो ये 10 कारें थी जिनके अंदर आपको डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा, इनका माइलेज भी काफी हद तक अच्छा खासा है और इनकी कीमत आपको लगभग 10 लाख रुपए के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। हालांकि कुछ कारें ऐसी भी है जिनके लिए आपको 10-10.5 लाख रुपए के आसपास पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि डीजल कारों की कीमत थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है एज कम्पेयर टू पेट्रोल वाली कारें। तो यहाँ पर ये छोटा सा वीडियो था, इनमें से आपकी कौन सी फेवरेट कार है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।